कभी भूल गए, आज हमारे लिए कैसे होता है? एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ जब मेरी एंट्री हुई थी और जब मुझे बताया गया था इस बारे में कि मेरी एंट्री ऐसे होगी, तो आई एम सो हैप्पी। मुझे ऐसा लगा, अरे वाह, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ खेलने को मिल रहा है। तो यस, अभी आप देखो एंट्री ऐसे मैंने की हुई है, तो आगे देखो घर में क्या होने वाला है फिर। मुझे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो वैसे भी अब श्रेया बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने देखा होगा जिस श्रेया की वजह से मेरा बच्चा खो गया, और एक ऑफिसर और एक माँ, उसकी वजह से उसे तो ऐसा कि ये कर क्या रही है, 7 साल हो गए, ये चली गई थी, अब ये घर पे क्यों आई है, क्या था, ऐसा क्या हुआ है। पर ये मुझे इन चीज़ों से नहीं है, पर आगे मैं श्रेया का क्या करने वाली हूँ, और घर का माहौल जो पहले था अब उससे कितना चेंज हो जाएगा मेरी एंट्री के बाद, वो आपको देखना पड़ेगा शो। एक्चुअली सोचा तो किसी ने भी नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था मेरा कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, और फैमिली तो एकदम हैरान हो गई थी, अरे वाओ। सबको था कि पहले ऑफिसर शायद मे बी मेरा हस्बैंड बनने वाले थे, बट उनको लगा कहीं ना कहीं हम अदिति को कर सकते हैं, क्योंकि मेरे शोज़ में ऐसा भी दिखाया गया था कि मैं बनना चाहती थी पर नहीं बन पाई, मेरी फैमिली ने मुझे नहीं बनने दी और मेरी शादी करवा दी। अब मुझे मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड ने ही पुश किया है और मुझे सपोर्ट किया कि तुम ऑफिसर बनोगी, और फाइनली 7 साल के बाद मैं IAS ऑफिसर बन के इस घर में आई हूँ, और अब इस घर में बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, मेरे अंदर बदलाव आएगा, एटीट्यूड आएगा, बिकॉज क्योंकि पहले मेरे साथ बहुत अत्याचार हो चुके हैं भाभी की तरफ से, और मॉम मुझे पसंद इतना नहीं करते थे मेरी नज़र में, क्योंकि मॉम मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे लगता था मुझसे प्यार नहीं होता। अब आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। मैं अपने फैमिली को यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दे रहे हो और ऐसे ही देते रहो हमारा शो ताकि बना रहे और हमारा शो देखते रहे मंडे टू सैटरडे 8 PM। बहुत लोगों को लगता है कि 9:30 आ रहा है, नहीं प्लीज़, हमारी TRP अच्छी आ रही है, सिर्फ आपकी वजह से हमारा शो 8 PM आता है सोनी सब में। आप देखते रहे और ऐसे हमें प्यार देते रहे। थैंक यू।